हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मंडे मार्केट के हिसाब से देखें तो मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है। तो रीज़न बीइंग जो कल का जो रिजल्ट आया इलेक्शन का, उससे मार्केट बहुत खुश है। तो आप देख ही रहे हो, आज 300 पॉइंट मार्केट अपना निफ्टी ऊपर है और लगभग अपना बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट। तो एक अभी 21000 का जो लेवल है, बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अभी अलग लेवल पे काम कर रहा है। क्योंकि अभी जितना भी अभी एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट, जैसे कि पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल जो ये अपना इंडिया में हो रहा है डेवलपमेंट, तो मार्केट पर फेवर में जा रहा है। तो बने रहिए आप मार्केट पार्टिसिपेंट में, तो आपको अच्छा मौका है। अभी आप अगले 6 महीने में अच्छा पैसा बन सकता है आपका। तो जैसे कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं, और कुछ ब्रेकआउट स्टॉक, कुछ मोमेंटम स्टॉक का बारे में तो रिस्क एनालिसिस करते हैं, तो उसको भी आप ज़रूर ये कीजिएगा, हाँ अपना रिटायर में रख लीजिएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग देख लीजिए रिव्यू को, हमारा जो पोजीशन में एक्चुअली है उसमें आप जो विनिंग ट्रेड है जो उसमें आप राइड कीजिएगा मोमेंटम। जैसे कि REC लिमिटेड पावर सेक्टर एंटायर बुलिश है, जैसे कि REC लिमिटेड और PFC तो पैरेलल चलता है, तो सिमिलर चार्ट पैटर्न है। तो एक्चुअली PFC में हमारा पोजीशन नहीं है, लेकिन REC में पोजीशन है अराउंड। अभी देख लीजिए एक बड़ा कैंडल बना था उस दिन अराउंड, अभी ये नवंबर लास्ट मंथ, उसके बाद एक वन वे मोमेंटम किया। जो हमारा तो 1:2 हम लोग जो भी इन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 1:2 इनिशियल टारगेट रहता है, बाद में मोमेंटम देख के हम लोग उसको राइड करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। जैसे कि हमारा जो एग्जिट का रूल है 9 AMA का, जो नीचे लगातार 2 कैंडल क्लोज होना चाहिए, उसका अभी एक भी क्लोज नहीं हुआ तब तक ये अपना एग्जिट ये आया नहीं, तो प्लान आया नहीं, तो उसके तो उसको राइड करेंगे हम लोग। REC लिमिटेड कोई जल्दबाज नहीं, उसमें प्रॉफिट को एंजॉय कीजिएगा। दूसरा एक ट्रेड था हमारा NLC इंडिया, सिमिलर पैटर्न है। जो पब्लिक सेक्टर आजकल काफ़ी बूम में, जैसे कि हम लोग पता ही है, जो काफ़ी अच्छे रिटर्न दे दिया है। अभी देख लीजिए NLC इंडिया 127 का हमारा बाइंग है, ये भी शानदार रिटर्न है, उसमें भी हमारा एग्जिट आया नहीं अभी तक। देख लीजिए अभी 3-4 इधर कैंडल बना हुआ है एक हफ्ता लास्ट वीक में, तो लेकिन उसका 9 AMA के नीचे नहीं आया। जब तक 9 AMA के नीचे नहीं आया, क्लियर एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद आप भी अराउंड आज 5-6% ऊपर है, तो उसमें भी आप प्रॉफिट एंजॉय कीजिएगा। अभी हमारा बाइंग के बाद लगभग अराउंड आप देख सकते हो 42% रिटर्न दे दिए, 42% रिटर्न विद इन अ मंथ कम नहीं होता दोस्तों। अभी जो भी स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा रहता है, अराउंड 2.5% 3% रहता है, तो उसके चलते एक 42% हमारा एक महीने में या साल में एक मिले हो तो भी बहुत अच्छा है, तो उसको प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए, कोई जल्दबाज नहीं है। तो हमारा और एक ट्रेड अभी है, वो भी है पैसा लो डिजिटल। एक्चुअली हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे इससे, लेकिन एक्सपेक्ट से भी ज़्यादा ये रिटर्न दे दिया। तो पैसा लो डिजिटल सिमिलर केस, हमारा जो एग्जिट है आया नहीं, ज़रूर इधर एक क्लोज तो हुआ है अपना ये लेवल पे, एक दूसरा ही दिन में उसको ब्रेक किया जो लेवल है अपना, जो ये कैंडल देख रहे हो आप, तो ये इसमें भी सिमिलर केस है, तो कोई जल्दबाज नहीं। आज भी अराउंड 7-7.5% ऊपर है, इसमें भी प्रॉफिट एंजॉय कीजिएगा। 65 का लेवल से अराउंड 89 जो मस्त एक ज़बरदस्त जैकपॉट एक ट्रेड था, तो ये रहा ये अपना पैसा लो डिजिटल, इसमें भी बने रहिए। आइनॉक्स फंड में देख लीजिए दोस्तों, ये भी एक क्लासिकल रेक्टेंगुलर पैटर्न एक चार्ट ब्रेकआउट था, उस दिन हम लोग 231 का लेवल हमारा बाइंग था। उसके बाद जो स्टॉप लॉस तो बहुत है, इसका डे लो कैंडल का एक स्टॉप लॉस होता है अराउंड 216 का। उसके बाद देख लीजिए एक रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए, एक मैसिव जंप देखने को मिला, एक जैकपॉट ट्रेड आइनॉक्स फंड, तो आज अराउंड ये भी 8% ऊपर है। तो पावर सेक्टर एंटायर बुलिश है, जैसे कि पहले भी बताऊँ, हाँ आप जितना भी पावर सेक्टर फोकस कीजिए, अदानी पावर भी अभी ब्रेकआउट दिया, टाटा पावर भी अच्छा चल रहा है, तो उसका भी मोमेंटम है इसमें, उसमें भी बने रही है। अभी जो हम लोग उसमें किया थे ट्रेड अपना BHL, ठीक है, अलग BDL में भी अभी तो हमारा पोजीशन है अभी, एक्चुअली टारगेट तो अच्छी नहीं हुआ, लेकिन अच्छा लेवल पे एक अपना है लेवल, ये जो लेवल है अराउंड 1260 का लेवल है। अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है तो एक आपको अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है, एक मैसिव उसमें भी मोमेंटम हो सकता है। देख लेंगे अभी एंड ऑफ द डे तक कैसा ये बिहेव करता है करके। BDL जरूर उसको अभी बने रही है, उसमें कोई जल्दबाज नहीं, उसमें भी 1155 का हमारा बाइंग लेवल है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है करके। तो BDL में भी बने रही है। और जो NHPC है, NHPC हम लोग फ्राइडे का दिन हम लोग एनालिसिस किए थे जैसे कि मैं बताया, तो अच्छे लेवल पर अभी बाइंग का लेवल पर ब्रेकआउट लेवल पर आ गया है, लेकिन ऊपर का लेवल की ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न था, और उस दिन भी बताया था मैंने फ्राइडे का दिन, तो एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा लेवल पे अभी है फिलहाल 3.5% ऊपर है। NHPC में अच्छा एक अपनों को टारगेट मिल सकता है, इधर उम्मीद है क्योंकि उधर ब्लॉक डील भी हुआ है, देखिए वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, बड़ा इंस्टीट्यूशन आ गया है उसमें, तो उसमें एक अच्छा एक मोमेंटम मिल सकता है। NHPC ज़रूर उसमें आप पोजीशन बना सकते हैं।
और एक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ज़रूर आप भी एनालिसिस कीजिएगा उसके बारे में। फ्रेंड्स आजकल वो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो एक माइक्रो कैप कंपनी है, एस इन्वेस्टर आशीष कचोली जी ने अभी रिसेंटली लास्ट थर्सडे का दिन उसमें एक ब्लॉक डील हुआ, 1 लाख शेयर बाई किया उसने। तो उन्होंने कि उन्होंने उनका लेवल है 658 लेवल में उन्होंने बाई किया स्टॉक प्राइस, जो मैं मल्टीपेगर स्टॉक का नाम है ब्रांड कॉन्सेप्ट लिमिटेड, एक एक्सेसरी प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत प्रेजेंस है इसका, ग्लोबली आउटसोर्स भी करता है, जैसे कि बैग हो गया, बैकपैक हो गया, अदर जो लेडीज एक्सेसरी है वो सब मैन्युफैक्चर करता है इसका। आपको मार्केट कैपिटल 728 का है, एक माइक्रो कैप कंपनी है जो लिक्विडिटी बहुत कम है, जो अभी इसके लिए लगातार अभी अपर सर्किट लगा 2% का उसका अपर सर्किट है, जिसके पास है बने रही है, जिसके पास नहीं है जो फ्रेश एंट्री का अभी एकदम फुल ऑफ होगा हो जाएगा, उसके बाद कुछ करेक्शन में मिलेगा तो आपको अच्छा एंट्री हो सकता है। जो भी बड़ा इन्वेस्टर आता है एक दो दिन के लिए नहीं आता, एक हफ्ते के लिए नहीं आता, एक महीने के लिए नहीं आता, उनका होराइजन लंबा रहता है, तो इस वो हिसाब से आपको उसको प्लान कीजिएगा जो भी एंट्री करते हो। तो अभी देख लीजिए लास्ट 3 ईयर्स में जो स्टॉक प्राइस है 253% CAGR से ग्रो कर रहा है, और जो सेल्स इंक्रीज हुआ एक क्वार्टर में 55% के एक सेल्स इंक्रीज हुआ, और नेट प्रॉफिट 22% इंक्रीज हुआ। तो आप एक 728 मार्केट कैपिटल कंपनी के लिए ROE देख लीजिए, 42% के एक ROE जनरेट कर रहा है, और जो ROC है 32% का ROC जनरेट कर रहा है। ये बहुत शानदार, एक आपको ऐसा कंपनी मिलेगा नहीं अपना इतना अच्छा फंडामेंटल्स और लगातार उसमें उसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन लगातार अच्छा बेहतर कर रहा है, तो इसको ज़रूर वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी आप उसको और रिसर्च करने की जरूरत है, उसमें रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही आप सोचिएगा, क्योंकि अभी तो उसमें मिलेगा नहीं आपको बाई करने का, क्योंकि ऐसा सर्किट लगा हुआ है। फ्रेंड्स आज का जो स्टॉक पिक होगा जो मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि पता ही आपको पावर सेक्टर एंटायर बुलिश है, पावर सेक्टर में जितना भी उसका मेजर स्टेक होल्डर है, जैसे कि टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, जब बाकी जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है काफ़ी बुलिश है, उसके चलते हम लोग एक छोटा सा इसका एक काउंटर लेके आए हैं, वो CAC लिमिटेड की एक मल्टी ईयर चार्ट ब्रेकआउट है, लास्ट 2021 का एक हाई ब्रेक किया उसने, अराउंड 101-102 रुपये का एक हाई है आज ब्रेक किया, और वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है आपको, लगातार कुछ दिन से इस पर बाइंग भी हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज का जो लो है अराउंड 101 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, 101 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके इनिशियली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए काम करेंगे CESC लिमिटेड में। तो दूसरा एक स्टॉक होगा हाईटेक पाइप, हाईटेक पाइप भी आप रेडर में रखिएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम लोग उसमें ट्रेड ले चुके हैं, तो पहले भी इसमें स्विंग ट्रेडिंग किए लेवल पे, जो भी वो बड़ा कैंडल दिख रहा है वो ये लेवल पे ट्रेड कर चुके हैं, उसमें अच्छा प्रॉफिट मिला है, उसके बाद अभी कंसोलिडेट हुआ कभी लगभग 1-1.5 महीने उसमें कंसोलिडेट होने के बाद अभी वापस अप मूवमेंट चालू किया। तो अभी जो आज का जो लो है अराउंड 105 का एक इसमें भी स्टॉप लॉस होगा, और जो इनिशियल टारगेट रहेगा ये जो रिसेंट स्विंग हाई 118-120 का एक स्टॉक अपना टारगेट के लिए एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे उसमें, और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन अच्छा बनता है उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंगली कॉल देंगे हाईटेक पाइप्स और CESC लिमिटेड में भी। ये दोनों कोई स्टॉक वॉचलिस्ट में ऐड कीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।